क्या आप जानते हैं ये 7 अलामतें बताती हैं कि आपके जिस्म को मदद की शदीद ज़रूरत है। हमारे जिस्म को कुदरत ने एक ऐसा परफेक्ट मैकनिज़म की तहत तख्लीक दिया है जिसके परफेक्ट होने का सबूत ये है कि इसमें एक ही वक्त में बेशुमार मुख्तलिफ अवामिल एक साथ अपने काम की अंजाम दही कर रहे होते हैं। ताहम बाज़ औक़ात हमारे जिस्म में कुछ ऐसी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारे जिस्म को मदद की शदीद ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम इनको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस्म के किसी भी हिस्से में रोनमा होने वाली इन अलामत को कतन नज़रअंदाज ना करें और फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। इंसोमनिया, चिड़चिड़ापन और टांगों में खिंचाव। अगर आपके जिस्म में अभी ऐसी कोई अलामत ज़ाहिर होती है कि तो आपके जिस्म को पोटाशियम और मैग्नीशियम की शदीद ज़रूरत है। इनकी कमी को पूरा करने के लिए टमाटर, कीनू, केले और पालक के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को अपनी रोज़ाना की डाइट में शामिल करें। खुश्क जल्द। जल्द का खुश्क होना जिस्म में विटामिन ई की कमी को ज़ाहिर करता है। इस कमी को दूर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ, तेल, मेवे और मछली का इस्तेमाल करना चाहिए। अचानक किसी मीठी चीज़ की चाह। अगर आपका दिल अचानक कोई मीठी चीज़ खाने को करे तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप स्ट्रेस, डिप्रेशन या थकन का शिकार हैं। ऐसे में आपके जिस्म को फौरी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे में आप शहद या ब्राउन चॉकलेट चख लें, वरना बाकी चीज़ें तो वज़न बढ़ने का बायस बन सकती हैं। अचानक बर्फ़ खाने की चाह। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपका दिल बर्फ़ खाने को चाह रहा है तो आप खून की कमी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, जैसे बीफ, अंडे और मोलक्स। इसके अलावा डॉक्टर से भी मशावरत करें। मसूड़ों से खून आना। जब आप ब्रश करें और मसूड़ों से खून आने की शिकायत पेश आए तो ये विटामिन सी की कमी को ज़ाहिर करता है। ऐसे में रसदार फल, पालक, टमाटर और गोभी का इस्तेमाल करें। बालों और नाखून का ख़राब होना। अगर आपके बाल और नाखूनों पर निशानात या कमज़ोरी आ रही है तो ये विटामिन बी की कमी का इजहार करता है। ऐसे में दूध और मशरूम्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आँखों के डीले के गर्द सर्कल्स। ये सर्कल्स अमूमन 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों की आँखों में पाए जाते हैं, लेकिन अगर ये किसी नौजवान फ़र्द के नमूदार हो जाएं, तो ये कोलेस्ट्रॉल के इजाफे को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे आपको फौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।